हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं अल्लाह ताला के करम से। और ये वीडियो मेरी चांद रात की है, मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाई थी तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप बनाई हूँ, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। यहाँ पे बना रही हूँ मैं बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो सबसे पहले मैं गोश्त को यहाँ पर पानी में भिगो दी थी, फ्रिज में रखा था। तो उसके बाद यहाँ पर दो मसाले पीसूँगी, एक पकौड़े के लिए और एक गोश्त के लिए। यहाँ चना बना रही हूँ और यहाँ प्याज भी भूज रही हूँ चिकन के बनाने के लिए, इसलिए पहले ही रख दी थी क्योंकि टाइम लगता है। और यहाँ पे मैं मसाला पीस चुकी हूँ और टमाटर पीसी हूँ, यहाँ पे दही है और पकोड़े भी बनाना, इफ्तारी की तैयारी करना। और ये लास्ट रोज़ा है, बहुत बुरा लग रहा है कि इतना जल्द रमज़ान जा रहा है। और रमज़ान के महीने में तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और इतना जल्दी चला जा रहा है। तो हम यहाँ पे सभी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे चिकन बना रही हूँ मैं बिरयानी बनाने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं प्याज को भूनी, उसके बाद से लहसुन अदरक और मिर्चा का पेस्ट इसमें डाल के फिर इसको भून रही हूँ। और बिरयानी तो बहुत ही पसंद है मुझे, और आप लोगों को पसंद है तो कमेंट में बताएं। और मेरे घर में सबको पसंद है बिरयानी। तो आज चांद रात है, इतना सारा काम है, घर धोना है और साफ सफाई करना है, और आज ही की रात मेहंदी रखना है, सब कुछ करना है। तो यहाँ पे मैं बिरयानी बना रही हूँ, उसके बाद इसे सब खा पी लेंगे, फिर मैं अपना घर धुलूँगी। तो यहाँ पे मैं डाल दी टमाटर, और टमाटर भी इसमें इसके साथ भूनूँगी। और जब थोड़ा सा टमाटर भून लूँगी उसके बाद मैं डालूँगी इसमें चिकन। तभी ये देखो खड़ा मसाला है जिसमें जीरा है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग है और दालचीनी है। इसे मैं धीमा आँच पे भून ली थी। तो यहाँ पे चिकन भी डाल दी मैं, चिकन डाल के इसको धीमी आँच पे पकाना है, तो इसमें पानी नहीं डालती हूँ मैं। और ये धीमा आँच पे पकेगा। यहाँ पे पकोड़े भी बना रही हूँ क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो रहा है। तो और आज इफ्तारी में ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ क्योंकि हमारे फैमिली में बहुत कम मेम्बर हैं, तो मैं थोड़ा सा पकोड़े बना रही हूँ और बिरयानी बना रही हूँ और चना बनाई थी, चिप्स छान लूँगी और फल फ्रूट है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। तो हमारे यहाँ बैंगन का पकोड़े आप डेली देख रहे हो, बैंगन का पकोड़े ही बन रहा है। तो बैंगन के पकोड़े अच्छे लगते हैं, आप लोग कैसा लगता है कमेंट में बताएँ। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे भी आगे बढ़ाएँ। तो यहाँ पे मैं पकोड़े बना रही थी और वीडियो भी शूट कर रही थी, बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्टैंड नहीं है इसलिए, और लॉन्ग वीडियो भी नहीं अपलोड करती हूँ क्योंकि डाटा की प्रॉब्लम होती है, जल्दी से अपलोड होता ही नहीं है, इतना ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे मैं चावल रखी हूँ बनाने के लिए, बिरयानी बनाने के लिए, तो यहाँ पर चावल पक रहा है। कल ईद है तो आज इतना ज़्यादा सभी के घर में इतना ज़्यादा शोर हो रहा है, और यहाँ पे सब खाना वाना खा लिए थे तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो उसके बाद से इफ्तारी करने के बाद, खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे घर को धुल रही हूँ। बाकी सब तो धुला गया है, साफ़ सफाई दिन में ही हो गया था, तो यहाँ पे मैं घर धुल रही हूँ क्योंकि पोछा नहीं लगा रही थी, गंदा हो गया था फर्श, इसलिए मैं डायरेक्ट पानी से ही धुल रही हूँ। और यहाँ पे सब मैं मेहंदी लगाई, मेरी मेहंदी कैसी है कमेंट में बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।